हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता आज आपके सामने गुल्फी की रेसिपी लेके हुए उपस्थित हुई हूँ। मटका गुल्फी घर में कैसे बनाई जाती है और घर में मटका गुल्फी बनाई जाती है तो वो बहुत जल्दी पिघल जाती है, ये नहीं पिघले इसके लिए अपने को एक पाउडर आता है मार्केट में, उसको इस्तेमाल करना होता है। उसका नाम है CMC और GMC, दो प्रकार के पाउडर आते हैं। इसमें आपको जो भी पसंद लगे वो यूज़ कर सकते हैं। और कस्टर्ड पाउडर वेनीला यूज़ करने वाली हूँ मैं, प्लेन कस्टर्ड पाउडर भी आता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्लेवर चाहते हैं तो कोई भी एसेंस भी यूज़ करते हैं मटका गुल्फी में। और ड्राई फ्रूट अगर आपको जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, मैं ड्राई फ्रूट यूज़ करने वाली हूँ। पिस्ता इसके बारीक कतरन टुकड़ी कर दी है, अगर आप चाहें तो बारीक और कटिंग कर सकते हैं और पीस के भी गुल्फी में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो काजू और कुछ भी जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो सभी ऐड कर सकते हैं और इलायची पाउडर डाल सकते हैं स्वाद के लिए। सबसे पहले मैंने फेट वाला दूध लिया है जिसकी क्रीम नहीं निकाली गई है, गाढ़ा दूध लिया है, ये करीब 1 लीटर है। और इसको ज़्यादा उबाल के गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको गाढ़ा करने के लिए अपन कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसको उबाल आ जाए, जब तक उबालेंगे दूध को, एक बाउल लेंगे, इसके अंदर करीब 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसके अंदर गरम दूध ऐड करेंगे, एक बाउल में पहले ऐड कर लेंगे ताकि इसमें लम्स गुठली नहीं पड़े, और फिर इसको दूध के अंदर मिलाएंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि लम्स इसके ख़त्म हो जाए सारे। कस्टर्ड पाउडर का गाढ़ा पेस्ट बना लिया है, इसके अंदर लम्स भी नहीं है। इसको धीरे धीरे करके उबलते हुए दूध में ऐड करेंगे, चलाते रहेंगे और इसको ऐड करेंगे। और लगातार इसको चलाएंगे, दूध गाढ़ा होने लग गया है। अगर मीठा आप ज़्यादा खाते हैं और ये कम खाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। मैं 1/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़े से चीनी और ऐड कर दें और इसको लगातार चलाते रहें, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए जब तक। दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, जमाने के लिए तैयार हैं। अब इसके अंदर करीब 1/4 टीस्पून CMC पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि गुल्फी अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसकी जगह JMC पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास दोनों पाउडर अवेलेबल है, मैं इसमें से CMC यूज़ कर रही हूँ। और इसको लगातार चलाएंगे, दूध अब दूध गाढ़ा है। अब इसके अंदर मैं पिस्ता ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पिस्ता बचा लेंगे, अगर चाहें तो आप गार्निश कर सकते हैं गुल्फी को। और इसको चला लेंगे एक बार, अभी इसको रूम टेम्परेचर पे आए जब तक ठंडा होने देंगे इस दूध को, और फिर मटका गुल्फी जमाने के लिए तैयार है। इसको रूम आप गुल्फी सांचे के अंदर भी जमा सकते हैं, डिस्पोजल के अंदर भी जमा सकते हैं, कांच की गिलास और प्याले में, आपको जो भी शेप पसंद है उसमें आप गुल्फी जमा सकते हैं। मैं इसमें जमाने वाली हूँ और इसको सेट कर लेंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे, इसको करीब से 4 से 5 घंटे गुल्फी बन के तैयार हो जाएगी। आइसक्रीम जम के तैयार हो चुकी है, मैंने 5 से 6 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र कर दिया था, डीप फ्रीज़र, और इसको 2 सेकंड के लिए नॉर्मल पानी में रखा। अब ये गुल्फी मटका गुल्फी आराम से बाहर आ जाएगी और आप जिस भी शेप में बनाना चाहे बना सकते हैं। इस तरह से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएगी इस तरह से। कितनी अच्छी बनी है, मार्केट जैसी लग रही है बिल्कुल। इस तरह से इसको भी निकाल लेंगे,
गुलफी बन के तैयार है। आप अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।